तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि इन्हें कह रही होती है कि चाहे मुझे जो भी हो जाए, चाहे मैं मर क्यों नहीं जाऊं, पर मैं अपनी बॉडी को तुम्हें नहीं छूने दूंगी। पर इससे पहले ये कुछ भी कर पाती वो आदमी से पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा स्मूथ है, तुम्हारी दूसरी जगह भी काफी ज्यादा स्मूथ होगी, और ये अपनी पैंट उतारने लग जाता है। पर तभी बे उस लड़की को इस आदमी के डांसिंग पॉइंट पे मारने के लिए कहता है और ये लड़की फिर हिल पा रही होती है। इसके अंदर अचानक से काफी ताकत आ जाती है और ये ऐसे ही करती है, ये बस एक ही हमले से इसे यहाँ पे मार गिराती है। ये लड़की फिर बे का शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए। दरअसल बे ने इस लड़की की इसलिए मदद की होती है क्योंकि ये लड़की जिस टीचर की स्टूडेंट है वो टीचर इसकी दोस्त है। उतने में वो पतला सा लड़का कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सीनियर ब्रदर को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस लड़की के पास अब ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूआ ही नहीं होता तो इसी वजह से थोड़ी घबरा रही होती है। उतने में वो लड़का इसके ऊपर हमला कर देता है तो ये पूछती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। बे इसे बताता है कि थोड़ा लेफ्ट लेके उसकी किडनी पॉइंट पे हमला करो, पर ये उस हमले को मिस कर देती है और तभी बे यहां पे उस लड़के को अपनी ताकत की मदद से कैद कर देता है। ये फिर से कहता है कि उसे मार गिराओ। ये से कहती है कि आपका शुक्रिया मेरी दोबारा से मदद करने के लिए, पर ये मेरी बहन से रिलेटेड है, मेरी सीनियर सिस्टर को इन लोगों ने कहीं छुपा रखा है, मुझे उन्हें किसी भी हाल में ढूंढना पड़ेगा और तब तक मैं इसे नहीं मार सकती, उसके बाद आप जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हो। ये लड़का इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी सीनियर सिस्टर को इतनी आसानी से ढूंढ लोगी, ये काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि उसे हमने एक ऐसी जगह छुपाया है जहां तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ सकती, और साथ ही साथ उसकी सी ऑफ क्यूआई को भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो जल्दी ही मारी जाएगी। ये इसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपनी सीनियर सिस्टर को भी बाय बाय बोल सकती हो। तभी वे यहाँ पे अपने असली रूप में आ जाता है और इसे कहता है कि आखिरकार नॉर्दर्न रेलम फॉर्मल बाउंड्रीज वालों ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता है और आखिरकार तुम जैसा ट्रैश यहाँ पे क्या कर रहा है। ये इसे कहता है कि तुम मुझे जानते हो क्या, मैं इतना फेमस हूँ। ये कहता है कि तुम तो वही ट्रैश हो ना जो कि अब तक लाइट स्टेज में अटका हुआ है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बे इसे कहता है कि मैं सवाल जवाब के गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार इसकी सीनियर सिस्टर कहाँ पे है। ये लड़का इसे मना कर देता है तो बे यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके इसे ब्लास्ट कर देता है और ये लड़का यहाँ पे मारा जाता है। ये लड़की फिर बे के ऊपर गुस्सा होने लग जाती है और उसे कहने लग जाती है कि आखिरकार वो अपनी सिस्टर को अब कैसे ढूंढेगी। ये इसे कहता है कि घबराओ मत, मेरे पास और भी रास्ते उसे ढूंढने के। ये फिर अपनी ताकत की मदद से यहाँ पे एक बर्ड बना देता है और उसे पूछता है क्या तुम्हारी बहन के पास ऐसी कोई सी भी चीज हो जिसने उसे पहना हो। ये इसे कहती है कि उसके पास हैंकरचिप है। ये फिर उस बर्ड को उस हैंकरचिप को दे देते हैं ताकि वो इसकी बहन को ढूंढ सके और कुछ ही समय के बाद ये बर्ड इसकी बहन को ढूंढ निकालता है जो कि एक खाई में गिरी हुई होती है। ये अपनी बहन के बारे में चिंता कर रही होती है पर तभी यहाँ पे इसे अपनी बहन की आवाज आती है और ये फिर किसी तरह अपनी बहन को आवाज लगा देती है। यूनरो फिर से कहती है कि मैं अपनी बहन को नीचे लेने के लिए जा रही हूँ। बे इसे कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं उसे निकाल लेता हूँ, और ये अपने तलीजमान का यूज करके किसी तरह इसकी बहन को बाहर निकाल देता है और इसे यहाँ पे बचाने के लिए ये इसका शुक्रिया करती है। इस लड़की का नाम योनशी होता है। बे फिर यहाँ पे अपने 5 एलिमेंट्स पिल को निकाल लेता है और इसे दे देता है जो कि इसने हैमिंग से जीते होती है, पर योनशी इन पिलों को लेने से मना कर देती है क्योंकि ये काफी महंगी होती है। बे इसे बताता है कि अभी पिकी होने का टाइम नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे बचाती हो, तो इन पिल्स को खा लो। तभी यहाँ पे यूनरो से कहती कि चुपचाप इन पिल को खा लो और वो ऐसी करती है और कुछ ही देर में इसकी सारी चोटी हील हो जाती है। योनशी फिर यहाँ पे इसका शुक्रिया करते हुए कहती है कि मैं आपके इस कर्ज को जरूर से अपने ऊपर से उतारूंगी। ये इसे कहता है कि मेरे कर्ज को चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। वहीं पे हमें सू को दिखाया जाता है जो कि बे की दी हुई किताबों का एक और पेज पढ़ चुकी होती है। ये यहाँ पे काफी थक चुकी होती है पर तभी यहाँ पे इसे कुछ बाहर से आवाज आती है। ये समझ आती है कि यहाँ दोबारा से कोई मुसीबत खड़ा करने के लिए आए और ये और कोई नहीं, ये भी स्टेमिंग डिपार्टमेंट का चैन कुन होता है। वहीं पे हमें बे को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों लड़कियों से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो जहाँ पे डीमन किंग रहता है, मेरे सवाल का जवाब दो। ये इसे बताती है कि दरअसल मेरे मास्टर का एक इंस्ट्रूमेंट टूट गया था और उसी के मटेरियल को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी, पर मेरे लालच की वजह से हम दोनों काफी अंदर आ गए जिसके बाद हमारे साथ ये हुआ। ये सोचता है इसकी ये जवाब थोड़ा वियर्ड सा है। इसके बाद ये इसे कहती कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस एक 9th ग्रेड के सेल्फ फॉर्म को ढूंढ रही थी, वो यही पे देखा गया है और मेरे हिसाब से फॉर्मल बाउंड्री सेक्ट वाले भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो ये कहता है कि आखिरकार वो इसे क्यों ढूंढ रहे हैं, ये तो सिर्फ एक 9th ग्रेड ग्रेटर डीमन है, आखिरकार फॉर्म में बाउंड्रीज वाले इसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे। ये फिर सोचता है कि कहीं इसे कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई है, वो कहीं आज सिल्क वॉर्म जो है वो कहीं ग्रेटर डीमन की जगह स्प्रिट डीमन तो नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक डीमन किंग हो जो कि कल्टीवेट करके ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। तभी यहाँ पे ये कहती है कि एल्डर बे, क्या आप उस सिल्क वॉर्म को पकड़ने के लिए जा रहे हो। ये कहते हैं कि हाँ, वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं इसी वजह से मुझे इसे पकड़ना ही पड़ेगा, उसके अंदर वाटर और लाइटनिंग दोनों की एट्रीब्यूट
रूट है और मेरी डिसिप्लिन ब्रेक थ्रू करने वाली है, तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। ये फिर इन दोनों को कहता है कि मुझे जल्दी इस सील को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सूरज निकलने से पहले मुझे क्यूंग लुआंग पिक तक पहुंचना है। वहीं पे हमें क्यूंग लुआंग पिक के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सुको जो कि इस एल्डर को बताती है कि मास्टर अभी है नहीं, अगर सीनियर का कुछ भी संदेश है वो मुझे बता सकते हैं, मैं मास्टर को बता दूंगी बाद में। ये इसे कहते हैं कि मेरे सामने झुक जाओ, ये इसे कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आखिरकार वो इसके सामने क्यों झुके। ये इसे बताता है क्या उस स्ट्रेस बेल उचाने तुम्हें नहीं सिखाया है कि जब भी तुम किसी एल्डर को देखो तो तुम्हें उसके सामने झुक जाना चाहिए। ये इसे कहती कि ऐसी चीज मुझे किसी ने भी नहीं सिखाई है और इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे मास्टर को ट्रैश मत बुलाइए, उनका नाम थोड़ा रिस्पेक्टफुली लीजिए। इसकी ये बात से ये गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ये अपनी पूरी ताकत से इसे सप्रेस करने लग जाता है। पर काफी देर सप्रेस करने के बावजूद सुलुन इसके सामने बिल्कुल नहीं झुकती, इसे ये और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो ये अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, पर फिर भी यहाँ पे सुन नहीं झुकते, जिससे इसे काफी गुस्सा आ जाता है। ये सोचता है कि अगर अकेडमी में लोगों को इस बारे में पता चल गया तो इसकी यहाँ पे काफी बदनामी होगी, तो इसे किसी भी हाल में इसे नीचे झुकाना पड़ेगा। ये फिर अपनी डिसिप्लिन ये है को कहता है कि जाके उसे मार दो, पर ये कहता है कि मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये इसे कहता है क्या तुम भी अपने मास्टर का ऑर्डर नहीं मानोगे। ये इसे कहता है कि मैं उससे बात करके देखता हूँ, अगर वो मान जाती है तो हम उन्हें नहीं मारेंगे। ये कहता है कि ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे ये सूर से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज इनके सामने घुटने टेक दीजिए वरना ये आपकी जान ले लेंगे, पर ये इस चीज के लिए मना कर देती है। ये फिर से कहती है कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि जैसे घटिया मास्टर के पास तुम जैसे एक अच्छा डिसिप्लिन भी है। ये कहता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज उनका नाम अच्छे से लीजिए। ये इसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मास्टर ने मुझे मारने का ऑर्डर दिया ना, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं उसके सामने बिल्कुल भी गड़गड़ाऊंगी नहीं। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले ये इसके ऊपर हमला करता है यहाँ पे वूजी इसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के वाइस इंस्ट्रक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे अपनी ताकत की मदद से इसके गले को दबा लेता है और इसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिस वजह से इसके अंदर का जो स्पिरिचुअल कोर होता है वो शैटर हो जाता है। ये देख के यहाँ पे सू को काफी गुस्सा आ जाता है, वो इसे कहती है अगर मैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाती हूँ तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। ये फिर से कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। ये फिर नीचे आ जाता है ताकि वो सू को मार सके, पर तभी यहाँ पे सू मून फेरी व्हील का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है। इसमें इसने अपने सारे रैम्स को बंद कर दिया होता है, पर ये सोचती है कि अगर ये इसे मार सके तो ये चाहे जितने भी रैम्स बंद कर ले इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये इसके ऊपर हमला कर देती है, पर ये इसके लिए प्रिपेयर होके आया था, इसके पास एक ट्रेजर होता है जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, पर इस चीज से ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ये इसे पकड़ लेता है और यहाँ पे इसकी गर्दन दबा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर ये कहती कि देखना मेरे मास्टर जब आएंगे तो तुम्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। ये इसे कहता है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था मैंने उसी के साथ तुम्हें भी मारने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो ट्रैश मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे वूजी इसके ऊपर हमला करने के लिए आने लग जाता है। ये इसे कहता है कि पहले तो मैं इस घोड़े को मारूंगा, उसके बाद मैं इस लड़की को मारूंगा। तभी सू को याद आता है कि बे ने तो उसे एक तालिबान दिया था जिसका यूज करके ये ऐसी सिचुएशन में बच सकती है और इसका यूज कर लेती है। ये इसे कहता है कि आखिरकार इस मूवमेंट में तुम पेपर का यूज करके क्या ही कर लोगी, पर तभी वो पेपर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और ये थोड़ा दूर गिर जाता है और सू की यहाँ पे जान बच जाती है। तभी इसके सामने एक बर्ड अपीयर हो जाता है जो कि इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इसे काफी बुरी चोट आती है। तभी इसके स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है। ये इसे कहता है कि मैं एक लड़की से बिल्कुल भी हार नहीं सकता, जल्दी मेरे 5 एलिमेंट्स पिल दो ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। ये इसे कहता है कि मास्टर आप काफी ज्यादा इंजर्ड हो, हम क्यों वापस क्यों नहीं चले जाते। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें कहा ना चुपचाप मेरे 5 पिल्स दो। ये फिर इसे खा लेता और कहता है कि मैं इस लड़की को अब सबक सिखा के रहूंगा। ये फिर सू के ऊपर हमला कर देता है, सू को लगता है कि उसका अंत आ गया है, पर इससे पहले यहाँ पे इसे कुछ भी होता बे इसके सामने आ जाता है जो कि इसके सारे हमले को अपने ऊपर ले लेता है और अपनी शैडो से इसे पकड़ लेता है। ये फिर यहाँ पे सू को हील करने लग जाता है। बे फिर इसे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे एब्सेंस में मेरी स्टूडेंट को यहाँ पे बुली करने की, क्या यही तुम्हारे मॉरल्स है। तुम जैसे इंस्ट्रक्टर भी स्टेमिंग डिपार्टमेंट का हेड बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसके बाद ये इसे और बुरी तरह मारता है, इसका शैडो उसे बहुत बुरी तरह मारने जा रहा होता है। तभी उसका स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मास्टर अंकल बे प्लीज यहाँ पे इसे रोक दीजिए, पर ये इसे यहाँ पे गोल्डन बेल में कैद कर देता है जिस वजह से ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वही बे की यहाँ पे शैडो इसे बहुत बुरी तरह मारती है, जिसके बाद वो उसके स्टूडेंट के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम हेड मास्टर का शुक्रिया मनाना चाहिए कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे नहीं मार रहा हूँ। ये फिर इसके मास्टर को इसे दे देता और कहता है कि इसे लेके क्वी लियोंग पिक से यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, पर उसका मास्टर से कहता है कि जल्दी से मुझे 5 एलिमेंट्स पिल दो, और ये ऐसे ही करता है और जैसे ही पिल लेता है ये तुरंत ही रिकवर कर जाता है, पर ये अभी भी काफी ज्यादा घमंडी होता है। वहीं पे हम देखते हैं सू को जो कि इसे कैरी होती है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्वी लियोंग पिक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और साथ ही साथ मेरी वजह से वो सी भी यहाँ पे इंजर्ड हो गई। ये इसे कहता है कि घबराओ मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो बस इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, अब बस हिलना मत, मैं तुम्हारे मैंड्रियंस को यहाँ पे हील कर देता हूँ,
में थोड़ा दर्द होगा। पर वही वाइस इंस्ट्रक्टर अपने आप को हील करने के बाद एक ताकतवर जीव को समन कर लेता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले वो जीव इनके ऊपर हमला करता है, एक अनजान शक्ति उसे तुरंत ही हरा देती है, जिसकी डर की वजह से वो समनिंग बीस्ट यहाँ से भाग जाता है। उतने में यहाँ पे यूनरो और यूंगशा आ जाती है। तो बे ने कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मैं डिसिप्लिन को संभाल सकती हो क्या? इसके बाद ये इसे कहता है, मैं काफी समय से विंग लुआन पीक को छोड़ के जाने से घबरा रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं दूसरों को ना भूली करूँ। पर तुमने इन रिटर्न क्या किया? तुमने क्वी लुआंग पीक में काफी बार ट्राई किया मेरे डिसिप्लिन को मारने के लिए, और आज तुम्हारा अंत आ गया है। ये फिर यहाँ पे ब्लड रिपार्चिंग टेलीजमान का यूज कर लेता है, जो कि काफी ताकतवर होता है, जिससे डर के ये यहाँ से भागने लग जाता है। दरअसल ये टेलीजमान अगर इसकी बॉडी के ऊपर लग गया तो इसकी बॉडी पूरी तरह फैल जाएगी, साथ ही साथ इसका सोल भी शायद से ना बचे। ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर बे की सोल यहाँ पे इसे नीचे पटक देती है। ये फिर से कहता है कि इंस्ट्रक्टर बे, हम सभी इस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर है, अगर तुमने डिवाइन रिट्रीब्यूशन का यूज किया तो तुम्हें काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। बे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवाइन रिट्रीब्यूशन की परवाह है, मैं खुद डिवाइन रिट्रीब्यूशन हूँ। ये फिर इसके ऊपर इस टैलिस्मान का यूज कर लेता है, जिसके बाद ये इसे बच नहीं पाता। बे फिर यहाँ पे साउंड प्रूफ टैलिस्मान का यूज करता है, जिससे इसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही होती है, और ये तड़प तड़प की एक कीड़ी में बदल जाता है और तुरंत ही मारा जाता है, और सिर्फ इसके कपड़े बचते हैं। ये देख के वो दोनों बहनें भी काफी ज्यादा डर जाती है। बे फिर इस लड़के को कहता है कि मैं उसके साथ ये करना नहीं चाहता था, पर उसने अपने मौत को खुद दावत दिया था। ये फिर यहाँ पे चुटकी बजाते इसकी जो चुटिया है उसे काट देता और कहता है कि मैं बिना वजह के किसी की जान नहीं लेता, पर इस चीज को तुम एक लेसन की तरह ले सकते हो, और भविष्य में जब भी तुम किसी को अपना मास्टर बनाओ तो याद रखना उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आज जो कुछ हुआ उस बारे में किसी को भी पता चले, और हाँ, तुम अपने सीनियर ब्रदर को ले जा सकते हो जो कि हमारे दरवाजे के सामने झुका हुआ है। ये इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। ये दोनों बहनें फिर बे को ऐसे देख के काफी ज्यादा डर चुकी होती है, तो यहाँ पे उसके जूनियर सिस्टर उससे कहती है कि हम दोनों को भी यहाँ से चलना चाहिए, और ये दोनों यहाँ से चले जाती है। बे फिर सू को कहता है कि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं, तुम्हें उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। पर तभी बे को कुछ नोटिस होता है और ये देखता है कि कोई इनके ऊपर स्पाइंग कर रहा होता है। वहीं पे हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बे के ऊपर स्पाइंग कर रहा होता है। ये यहाँ पे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि जिस आदमी को यहाँ पे बे ने मारा होता है वो इसका नेफ्यू होता है। ये यहाँ पे काफी गुस्सा होता है। ये एक केव के अंदर होता है। इसके साथ एक और आदमी होता है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट से होता है। ये इसे कहता है कि अगर वो अपने स्टूडेंट से इतना ही ज्यादा प्यार करता है तो तुम्हें पता है कि हमें इस ट्रायल में अब क्या करना है। ये कहता है कि मैं समझ गया। वही हमें बे के यहाँ दिखाया जाता है, जो कि सू के सामने उस आइस सेल वॉर्म को निकाल देता है। वो इसे कहता है कि मैंने इस आइस सेल वॉर्म को पकड़ा है, वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें ब्रोकन मिरर दूं, पर यहाँ पे मुझे ये मिल गया तो मैं इसे ले आया अपने साथ। ये सोचते ये तो आइस सेल वॉर्म है, इसका जो लेवल है ये डीमन किंग लेवल का होगा, और अगर इंसान से कंपेयर किया जाए तो ये अभी रिकम्बाइनिंग स्टेज के यहाँ पे होगा। पर आखिरकार मास्टर मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? तभी यहाँ पे इसे कहता है कि आइस सिल्क वॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स है वो काफी अच्छे हैं। इसके एट्रीब्यूट्स लाइट और वाटर है, जो कि तुम्हारे लिए काफी अच्छे हो सकते हैं फ्यूचर में। ये तुम्हारे कल्टीवेशन में भी मदद करेगा। ये सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं एक इमॉर्टल होने के बावजूद ऐसे डीमन किंग को कभी नहीं पकड़ पाई थी, सचमुच मास्टर काफी अच्छे है। ये फिर यहाँ पे बे को गले लगा लेती है और उसका शुक्रिया करती है। बे से कहता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब ट्रायल एग्जाम शुरू होगा तो तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और उसी के साथ तुम इस आइस सेल वॉर्म को अपने साथ भी ले जा सकती हो। ये कहती है कि ये चीटिंग की तरह होगी ना? ये कहते हैं कि घबराओ मत, ये बिल्कुल भी चीटिंग की तरह नहीं होगी। मैं आइस सेल वॉर्म को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, क्योंकि इसकी साइज मैं अब छोटा करने वाला हूँ। ये फिर ऐसे ही करता है, ये इसकी साइज को छोटा करने लग जाता है। पर ये सोचती है कि मास्टर ने तो कहा था वो इसे सप्रेस करेंगे, पर आखिरकार वो इसके कल्टीवेशन को इम्प्रूव क्यों कर रहा है? थोड़ी देर में यहाँ पे वो कीड़ा एक ककून में बदल जाता है, और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो कि डीमन किंग लेवल की होती है। ये इसे कहती है कि मैं लेडी सू को ग्रीट करती हूँ, आप मुझे शोंग मैंग बुला सकते हो। सू को यहाँ पे शाओ मैंग काफी ज्यादा क्यूट लगती है, तो ये इसे कहती है कि मुझे लगा था कि डीमन किंग काफी ज्यादा बुरे होते हैं और काफी बुरे दिखते हैं। वो आखिरकार तुम इतनी ज्यादा क्यूट क्यों हो? मैं पहली बार ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। शाओ मैंग इसे कहती है कि आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे कि आपने मुझसे भी ताकतवर जीवों को देख रखा है। ये इसे कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने बस उनके पोर्ट्रेट देखे थे जो कि वॉल्स पे थे। ये कहती कि मैं समझ गई। वे फिर इसे कहता कि मैं सू को अब तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम उसका ब्रेक थ्रू करवा दोगी ना? ये कहती कि ब्रदर लूचन आप घबराइए मत, मैं उसका ब्रेक थ्रू करवा दूंगी, वो भी काफी आसानी से। आप अपने रूम पे जाकर रेस्ट कर सकते हो क्योंकि अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है। पर बे यहाँ पे योनजी के पास चले जाता और वो सोचता है कि लगता है योनजी बिल्कुल सही थी। वो पीस ऑफ जेड जिसके पीछे वो लोग पड़े हुए थे और चाओ मैंग जिसे गार्ड कर रही थी वो सचमुच काफी ज्यादा कीमती था, पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये किस तरह का जेड है जिसे सिस्टम भी एनालाइज नहीं कर पा रहा। तभी यहाँ पे सिस्टम इसे बताता है कि होस्ट ने एक रैंडम टास्क को ट्रिगर कर दिया है, अगर उसका डिसिप्लिन जो है वो 5 दिन के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाता है और उसी के साथ वो ट्रायल को भी पास कर लेता है तो उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। इसका पहला गिफ्ट होता है 1-स्टार मार्शल आर्ट गिफ्ट पैक, और सेकंड गिफ्ट होता है स्टार स्पेशल आइटम गिफ्ट पैक, और एक मिस्ट्री प्राइज।
वे ये सब देख के कहता है कि तुम टास्क भी दे सकते हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक बुट चॉपिंग काउंटर हो। ये कहता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये से कहता है कि होस्ट को जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कहता है कि ठीक है मैं चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पर ये रिवॉर्ड मेरे लिए यूजलेस है, इसे मैं सूख दे दूंगा। ये उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते है। वे फिर अपने बेड पर जाके सो जाता है, पर तभी यहाँ पे एक लड़की इसके अंदर से बाहर आ जाती है। ये कहती कि ये काफी बुरा हुआ, मैं काफी करीब थी, पर कोई नहीं मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। हमें फिर करीब 5 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे डिसिप्लिन और हेमिंग को। इन्हें यहाँ पे कुछ स्मेल आ रही होती है और ये चीज पका रहा होता है बे। यहाँ पे हेमिंग इसे पूछता है कि बे ल्यूजन आखिरकार तुम उस पहाड़ी के ऊपर क्या रोस्ट कर रहे हो। ये से कहता है कि तुम तो इंस्ट्रक्टर यांग हो, तुम क्या इस चीज में इंटरेस्टेड हो। ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये फिर से बताता है कि सुबह मुझे एक अजीब सी बर्ड दिख गई थी, मैंने उसे यहाँ पे पका दिया, मुझे पता नहीं था वो कैसे दिखती है। ये से कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा, ये मीटिंग प्लेस है एग्जाम के, आखिरकार तुम ये सब यहाँ पे क्या कह रहे हो। पर इसके स्टूडेंट्स को उसकी स्मेल काफी अच्छी लग रही होती है, तो ये इनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम सब वापिस चले जाओ, आखिरकार तुम सब यहाँ पर कर क्या रहे हो। ये फिर से कहते हैं कि तुम जैसे लोग इंस्ट्रक्टर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वे कहता है कि तुमसे बाद में मुलाकात होगी। हमें फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फेंग शू होता है और ये बीच टेमिंग डिपार्टमेंट से होता है। ये यहाँ पे सू के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, पर सू यहाँ पे उसे भाव नहीं देती और यहाँ से चले जाती है। और बे से उस चीज को मांगने लग जाती है, पर बे उसे मना कर देता है। इन दोनों को ऐसा देखिए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी इसका मास्टर यहाँ पे आ जाता है जो कि बीच टेमिंग डिपार्टमेंट का चीफ इंस्ट्रक्टर होता है। इसका नाम यून वांगजिया होता है। ये से कहता है कि तुम्हें एक लड़की के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी चीजें और ज्यादा खराब कर देगी। तभी यहाँ पे 4R डिपार्टमेंट की यूई शांगजू आ जाती है जो कि उन्हीं दोनों लड़कियों की टीचर होती है। ये काफी खूबसूरत होती है, इससे ये बात करने के लिए जाता है, पर ये इसे इग्नोर करके डायरेक्ट बे के पास चली जाती है। ये से कहती है कि आपका शुक्रिया मेरी दोनों स्टूडेंट को बचाने के लिए मिस्टर बे। बे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बे फिर सू को बताता है कि यूई और वो दोनों बचपन के दोस्त है, पर ये चीज से काफी गुस्सा होती है। और उसी के साथ यहाँ पे यूई वांगशेंग भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई। तभी यहाँ पे इन्हें शांत होने के लिए कहा जाता है और ये होते हैं डी कोनल्डर, जो कि इन सभी को बताते हैं कि इस ट्रायल का एग्जामिनेशन जो है वो सीक्रेट रेल में होने वाला है, जिसके अंदर 3 तरह के डीमन रेसेस रहते हैं। ये फिर इन सबको यहाँ पे इस ट्रायल के रूल्स बताने लग जाते हैं। इस ट्रायल की जो लिमिट होती है वो यहाँ पे 2 दिन की होती है, और जो भी जितने ज्यादा टोकन इकट्ठा करेगा उसे उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और उसी के साथ यहाँ पे ये लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं पॉइंट पाने के लिए, जैसे कि एक्सप्लोरेशन, हंटिंग और रॉब। ये सारी चीजें यहाँ पे अलाउ होती है, पर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को जानबूझ के मारता है तो उसके लिए उसे काफी भुगतान करना पड़ सकता है। यहाँ पे फिर सभी लोग इस पोर्टल के अंदर जाने लग जाते हैं, और जब यहाँ पे सू की बारी होती है तो यहाँ पे अपने मास्टर को बाय बोल के जाने लग जाती है। पर वो देखती है कि यहाँ पे यू यहाँ पे उसके मास्टर से काफी चिपक रही होती है, तो वो सोचती है कि जितनी जल्दी हो सके उसे इस ट्रायल को खत्म करना पड़ेगा। वह यू बे को कह रही होती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे स्टूडेंट ने रिसेंटली ही सेक्ट को ज्वाइन किया, आखिरकार तुम उसके बारे में चिंता क्यों नहीं कर रहे हो। ये से कहता है कि सू काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो काफी हार्ड वर्किंग भी है, और उसकी ताकत नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है, और ये मत भूलो कि वो मेरी स्टूडेंट है, तो तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसी के साथ हमें एक साइड स्टोरी दिखाई जाती है, जब बे इन दोनों के आसपास नहीं होता तब यहाँ पे शाओमिंग कैसी हरकतें करती है। वो यहाँ पे पूरी सावधान रहती है कि उसे ठंड ना लग जाए, बेशक यहाँ पे सू की वो तबीयत खराब करते है। मैंने इसे यहाँ पे कहा होता है कि वो फ्रेंडली रहे और हेल्पफुल रहे, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वो उल्टा है यहाँ पे सू के लिए काम बढ़ा देती है, और उसी के साथ वो यहाँ पे वूजी का खाना भी खा जाती है। और जब बे वापस आता है तो वो ऐसा दिखाती है कि वो कितनी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है और वो कितनी ज्यादा इन लोगों की मदद कर रही है। हमें फिर डीमन सीक्रेट रेल्म के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़का भाग रहा होता है। ये काफी डरा हुआ होता है और ये और किसी से नहीं, ये सू से भाग रहा होता है। सो इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो इसका टोकन ले लेती है, और इस टोकन को लेने के बाद इसका रैंक 47 हो जाता है, और इस चीज से काफी खुश हो जाती है, और वो लड़का फिर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। सू फिर इसे पूछती है कि कुछ बोलो, ऐसा नहीं है कि तुम बोल नहीं सकती। ये इसे कहती है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता भी है मैं मर सकती थी, तुम्हारे मास्टर ने मुझे कहा था कि इंसेक्ट बन के रहो, तो आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि इंसेक्ट बात कर सकता है क्या। ये इसे कहती है कि यहाँ पे कोई ट्रेजर व्रेजर है क्या। ये इसके सवाल का जवाब नहीं देती, तो ये कहती कि छोड़ो मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वहीं पे हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब लग रहे होते हैं। हमें फिर एकेडमी स्क्वायर के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग देख रहे होते हैं कि कैसे सू दूसरों को हरा के उनके टोकन ले रही होती है। ये सोच रहे होते हैं
कि आखिरकार सू इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है जबकि उस ट्रैश ने इसे यहाँ पे ट्रेन किया है। वही यू यहाँ पे ऐसा कह रही होती है कि तुम्हारी डिसिप्लिन काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें नहीं लगता अगर वो ऐसी दूसरे को हराते रहेगी तो सभी लोग उसके ऊपर एक साथ हमला कर देंगे। ये ऐसा कहता है कि मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों के बारे में वो चिंता करता है जो खुद कमजोर होता है। मुझे पता है कि सू काफी ज्यादा ताकतवर है। और एक और बात, सू जब तक यहाँ पे एकेडमी के रूल्स को मानती है तब तक ठीक है, वरना उससे पहले मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो जो चाहे वो कर सकती है। यूई से कहती है कि तुम अभी भी वही बेलूचान हो जो तुम 10 साल पहले हुआ करते थे, तुमने सिर्फ अपनी ताकत की मदद से सभी डीमंस को उनके डायमेंशन में भेज दिया। ये कहता है कि आखिरकार तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, ये काफी एम्बैरेसिंग है। तब यहाँ पे बेल बज जाता है और जो स्क्रीन होती है वो गायब हो जाती है। ये देखे सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। यहाँ पे एल्डर इन्हें शांत करवाते और कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे एक आदमी उसे बताता है कि अंदर की जितने भी कैमरास थे वो खराब हो चुके हैं, हमें अंदर जाके उन्हें रिपेयर करना पड़ेगा, इसी वजह से हमने एक इमरजेंसी टीम को अंदर भेज दिया है। और यहाँ पे कुछ लोग इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं पर बेबी अपने शैडो को इसके अंदर भेज देता है। वहीं पे हमें सू को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से लड़ रही होती है और ये लोग लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के यहाँ से होती है। ये इसे कहती कि तुम सचमुच काफी ताकतवर हो पर तुम हमारे सामने नहीं टिक सकती। सू इसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर जाके दूसरे को नहीं बता सकती। ये इसे कहती कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के यहाँ से है। ये इसे कहती कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जैसे लोग लॉ इन्फोर्समेंट पे काम करते हो, सचमुच अकेडमी धीरे धीरे करप्ट होती जा रही है। सू फिर यहाँ पे अपनी लाइटिंग पावर्स का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से इस जगह को छोड़ के जा सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये दोनों फिर मिलके सू के ऊपर हमला कर देते हैं और सू को पता होता है कि ये दोनों अगर इसके ऊपर एक साथ हमला करे तो इसके यहाँ से बच के निकलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे ये शाओ मैंग से मदद मांगती है। वो इसे कहती है कि जब तक मैं अपने रेल्म को बर्न कर रही हूँ और अपनी ताकत बढ़ा रही हूँ प्लीज मेरी मदद करो। ये ऐसी करती है, ये अपनी ताकत की मदद से इन लोगों को यहीं पे रोक देती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पे वो अपने साथी को लेके यहाँ से निकल जाती है। तो फिर शाओ मैंग को कहती है कि आखिरकार तुम अपने असली रूप में क्यों आई। ये से कहती है कि अगर मैं जिस रूप में थी उस रूप को उनको दिखा देती तो अगली बार जब वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आते तो सबसे पहले टारगेट मैं ही उनका होती, इसी वजह से मैंने ये रूप उनको दिखाया ताकि वो मुझे यहाँ पे मार ना सके। तो फिर इसे कहती है क्या उन्हें ऐसी जाने देना ठीक रहेगा क्या। शाओ मैंग इसे कहती है कि तुम्हारे मास्टर मुझे ऑर्डर दे सकते हैं पर तुम नहीं, तो चुपचाप मेरे ऑर्डर मानो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ट्रेजर की स्मेल आ रही है और वहाँ पे चलो। ये कहती कि ठीक है। हमें फिर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल वाले लोगों को दिखाया जाता है जहाँ भी ये किसी तरह उस लड़की को वापस रिवाइव करने का सोच रहा होता है। पर तभी यहाँ पे मे की शैडो आ जाती है जो कि इसे कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे स्टूडेंट को मारने की कोशिश की है। तुम्हें पता है जब कोई किसी को मारने की कोशिश करता है तो उसे खुद भी मरने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये फिर अपनी ताकत का यूज करके इन तीनों को यहीं पे मार ही रहता है और उसी के साथ यहाँ पे वो सुप्रीम एल्डर को भी चोट पहुंचा देता है जिससे ये काफी घबरा जाता है। ये सोचता है कि आखिरकार बेलूचान ने किस ताकत की मदद से अपने आप को रिकवर किया है। तीन फ्रीजियन जो होता है और हम देखते हैं डेमोनिक रूंस केव के यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं शाओ मैंग को जो कि यहाँ पे इसे कंप्लेंट कर रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ पे भटक गया है। यहाँ पे इसे कंप्लेंट पे कंप्लेंट किया जा रही होती है कि ये लोग इस केव में भटक गया और ये सारी गलती सू की है। सू से कहती है कि इसमें आखिरकार मेरी गलती क्या है, तुम्हें उस ट्रेजर को ढूंढना चाहती थी इसी वजह से हम यहाँ पे खो गया, आखिरकार तुम इतने बकवास कैसे कर सकती हो। तभी इसे गुस्सा आ जाता है और इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। तो सू कहती है कि तुम इसे लड़ना चाहती हो। तभी यहाँ पे शाओ मैंग इसके ऊपर हमला कर देती है और ये देखती है कि इसके पीछे काफी सारे पॉइजन मगोट्स होते हैं जो कि एक तरह की मॉन्स्टर होती है। ये ऐसे कहती है कि घबराओ मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये डीमंस तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर ये सब ज्यादा आबादी में आ गए तो मुझे से डीमन क्वीन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तभी ये सोचती है कि जो पॉइजन मगेट्स है वो डार्क एनवायरमेंट पे बड़े होते हैं और उसी के साथ उन्हें स्पिरिचुअल क्यूआई चाहिए, तो इसका मतलब इस जगह के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल क्यूआई भरी रह सकती है। ये फिर इस जगह को ब्लास्ट कर देती है और ये लोग देखते हैं इसके पीछे एक बड़ा सा दरवाजा होता है। इस दरवाजे को देख के शाओ मैंग काफी खुश हो जाती है। ये फिर इसे कहती कि पीछे हटो, मैं इस दरवाजे को तोड़ने वाली हूँ। पर सू इसे कहती कि इसे देख के मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है, हमें इसके बारे में दूसरों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये इसे कहती कि घबराओ मत, जब तक मुझ जैसी डीमन किंग तुम्हारे साथ है तो मैं किसी चीज के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस दरवाजे को तुरंत ही तोड़ दूंगी। ये फिर इस दरवाजे को तोड़ देती है और कहती है कि देखा, जब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ तुम जितने मजे चाहे उतने कर सकती हो। पर सू इसे कहती कि पीछे देखो, उस दरवाजे को तो खरोंच तक नहीं आई है। इस दरवाजे को सही सलामत देख के शाओ मैंग गुस्सा हो जाती है और काफी फ्रस्ट्रेटेड भी। तो वो कहती कि घबराओ मत, मैं तो बस अब तक मजाक कर रही थी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिरकार असली डीमन किंग की ताकत क्या होती है। ये फिर दोबारा से इस दरवाजे के ऊपर हमला कर देती है पर इस दरवाजे को स्क्रैच तक नहीं आती, तो ये काफी गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर लात मारने लग जाती है। तभी सू को यहाँ पे एक हाथ का निशान दिखता है, ये अपना हाथ उस पर रख देती है।
होती है, जिसकी वजह से ये जो गेट है खुल जाता है, जो देख के शाओमिंग काफी हैरान हो जाती है। ये सोचती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। ये लोग फिर अंदर जाने लग जाते हैं, पर सू सोच रही होती है कि ये जगह कहीं मैंने पहले भी देख रखी है। तभी ये देखते कि शाओमिंग किसी चीज को हाथ लगा रही होती है। सो जैसे उस चीज को देखते है, उसे अपनी पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि इसने यहाँ पे एक डीमन को कैद किया था जब ये पिछली लाइफ में मानिया स्टेज में थी, पर ये काफी खतरनाक डीमन होता है। तभी यहाँ पे शाओमिंग उस मूर्ति को तोड़ देती है, जिस वजह से यहाँ पे डेमोनिक ऑरा फैल जाता है। वही बाहर सभी को बताया जाता है कि सीक्रेट रेल में काफी अजीब सी चीजें हो रही है, शायद से वहाँ पे एक डीमन एम्परर जो की बॉडी यूनाइट स्टेज पे है वो अपियर हो चुका है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे पैनिक करने लग जाते हैं। यहाँ पे एल्डर सभी को समझाते है कि शांत रहिए, पर तभी यहाँ पे हेडमास्टर आ जाते हैं, जो कि इनसे पूछते हैं कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। ये इसे सारी चीजें बता देता है। हेडमास्टर से कहते हैं कि एक डीमन एम्परर, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। ये कहता है कि हेडमास्टर इस बारे में हमें भी नहीं पता, पर काफी सारे डिसिपल्स अंदर अटके हुए, हमें किसी भी हाल में उन्हें वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। हेडमास्टर फिर यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरा को अंदर भेज देते हैं ताकि वो डिसिपल्स को बचा सके। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे योंडो और योनशी को टेलीपोर्टेशन एरा बाहर ले आया होता है। यहाँ पे इसके हेडमास्टर को देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी बे इनसे पूछता है, क्या तुमने सू को देखा। से कहते हैं कि हमने नहीं देखा। यूई से बताती है कि सारे डिसिपल्स अपने इंस्ट्रक्टर के साथ है, इसका मतलब सू काफी बड़े प्रॉब्लम में है। वहीं पे हम देखते हैं सू को जो कि डीमन एम्परर के सामने होती है और ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ये से कहता है कि ये दुनिया अब मेरी है और ये इनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे शाओमिंग सोचती है कि आखिरकार ये डीमन एम्परर यहाँ पे क्यों सील था, आखिरकार अब मैं क्या करूँ। अगर मैं इस लड़की को छोड़ के भागी तो आखिरकार मैं उस मॉन्स्टर को क्या जवाब दूंगी। डीमन एम्परर फिर इनके ऊपर हमला कर देता है ताकि वो सू को मार सके, पर यहाँ पे शाओमिंग अपनी ताकत इसे बचा लेती है। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम उसकी जान क्यों बचा रहे हो, जबकि हम दोनों एक ही प्रजाति के हैं। ये इसे कहते हैं कि दरअसल मुझे इंसान नहीं पाला, इसी वजह से मैं उसकी जान बचा रही हूँ, पर अब चिंता मत करिए, मैं अब इसकी वफादार नहीं हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सू इसे पूछते कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। ये इसे कहती कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। शाओमिंग फिर इसके ऊपर हमला कर देती है और अपने क्लोन से इसे यहाँ पे दूर ले जाने लग जाती है। डीमन एम्परर इसकी सारी बातें सुन लेता और कहता है कि आखिरकार तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो। शाओमिंग इसे कहती कि दूसरों की बातें सुनना काफी बुरी बात होती है। डीमन एम्परर फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी इसे याद आता है कि बे ने इसे एक फॉर्मेशन दिया होता है जो कि काफी ताकतवर होता है। उसने इसे कहा होता है कि जब तक ये तुम्हारी जान पे ना आए इसे यूज मत करना, और अब शाओमिंग इस पेल को यूज कर देती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वहीं पे हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन एम्परर अपनी ताकतों का यूज करके दूसरों की एनर्जी सक कर रहा होता है और उन्हें एक तरह का ज़ॉम्बी बना रहा होता है। यहाँ पे हेडमास्टर अंदर आ जाते हैं और तभी ये लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर हेडमास्टर सिर्फ एक ही हमले से इन सभी को मार गिराती है। ये फिर इन सभी को कहते हैं कि जितने भी इंस्ट्रक्टर है अपने डिसिप्लिन को लेके किसी तरह यहाँ पे आ जाना और यहाँ से बाहर निकल जाना, और याद रखना कि डीमन एम्परर से लड़ने की कोशिश मत करना वरना तुम मारे जाओगे। हैमिंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बे को वापस भेज दीजिए। बे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे वापस क्यों भेजना चाहते हो। हैमिंग इसे कहता है कि तुम लाइट स्टेज में हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हरा सकते हो, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, बेटर यही रहेगा कि तुम वापस चले जाओ। ये कहता है कि नहीं मैं वापस नहीं जाना चाहता। तभी हेडमास्टर से कहते हैं कि जूनियर ब्रदर बे तुमने हमारे एकेडमी के लिए काफी सारे सैक्रिफाइस किए तो बेटर यही रहेगा कि तुम वापिस चले जाओ। पर तभी यूई से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर बे जो है वो भी यहाँ के इंस्ट्रक्टर है और उनकी स्टूडेंट भी यहाँ पे अटकी हुई है, आखिरकार वो वापस कैसे जा सकते हैं जबकि उनकी स्टूडेंट काफी बड़े खतरे में है, उन्हें अंदर जाने दीजिए। हेडमास्टर इस चीज के लिए मान जाते हैं पर वो इन दोनों को सावधान रहने के लिए कहते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है डीमन एम्परर को जिसके ऊपर कोई हमला कर चुका होता है। दरअसल जैसे ही शाओमिंग ने उस फॉर्मेशन को तबाह किया वैसे ही यहाँ पे बे की शैडो बाहर आ गई जो कि इसे कुछ समय के लिए रोक सकती है, उतने में शाओमिंग यहाँ से निकल जाएगी। वहीं पे हम देखते हैं शाओमिंग की डेड बॉडी को, पर वो यहाँ पे जिंदा होती है क्योंकि उसने अपने आप को एक कोकून में बदल लिया होता है और वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। तभी यहाँ पे इसकी छोटी रूप आ जाती है जो कि इसे सू के बारे में बता देती है और ये इसे सू के पास ले जाती है, जहाँ पे ये देखते हैं कि सू यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुकी होती है डीमन एम्परर की ताकत से। शाओमिंग यहाँ पे सोचती है अगर वो इस लड़की को यहीं पे इग्नोर कर दे तो इसकी जान बच सकती है, पर अगर ये इसे यहाँ पे अपने साथ ले जाए तो डीमन एम्परर इसे तुरंत ही मार देगा, आखिरकार ये क्या करे। ये फिर सोचती है कि अगर सू नहीं होगी तो आखिरकार इसके डेली के काम कौन करेगा, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना या फिर और भी अलग अलग चीजें। तो ये इसे यहाँ पे ले जाने लग जाती है ताकि वो इसकी जान बचा सके और इसके काम कर सके। हमें फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो डीमन एम्परर यहाँ पे हवा में उड़ के भागने लग जाता है, पर तभी यहाँ पे इसके ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक होती है जिस वजह से ये जमीन पे गिर जाता है और ये बे की शैडो होती है जिसने इसके ऊपर हमला किया होता है। डीमन एम्परर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी अंदर इतनी ताकत कैसे है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस दुनिया के हो, आखिरकार तुम हो कौन। पर बे की शैडो उसकी सवाल का जवाब नहीं देती तो ये कहता है कि तुम मुझे इतनी भी वर्दी नहीं समझते, ये तुम मुझे जवाब दो,
कोई नहीं, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है। वही हम देखते हेमिंग और बे को जो कि यहाँ पे छुप के इन दोनों की लड़ाई देख रहे होते हैं। हेमिंग इसे कहता है कि आखिरकार वो किस तरह की शैडो है जो कि एक डीमन एम्परर से लड़ सकता है। ये से कहता है ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। हेमिंग कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, उसे मैं कभी नहीं हरा सकता। बेसिक डिसिप्लिन को छोड़ो, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी ये देखता है इसके हाथ में तलिस्मान होता है जो कि ये इसके ऊपर लगा देता है, जिससे यहाँ पे बेहोश हो जाता है। बे फिर उस डीमन एम्परर को खुद से हैंडल करने का फैसला करता है। तभी यहाँ पे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है जिसके अंदर से लॉर्ड अर्थ डीमन निकलता है, जिसे देख के ये कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। पर बे की शैडो यहाँ पे गायब होने लग जाती है, जिससे इसे गुस्सा आ जाता है और ये उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पे बे एक स्पेल कास्ट कर देता है जिसकी वजह से ये डीमन एम्परर काफी छोटा हो जाता है और उसी के साथ यहाँ पे लॉर्ड अर्थ लेवल का डीमन भी गायब हो जाता है। ये देख के ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसके साथ ये सब हो क्या रहा है। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। बे से बताता है कि अब तक तुम मेरे अदर सेल्फ से लड़ रहे थे और तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। बे फिर यहाँ पे एक तालिजमान का यूज करता है, जिसे देख के ये डीमन एम्परर कहता है कि ये तो इमॉर्टल बाइंडिंग तालिजमान है, आखिरकार ये तुम जैसे मंकी के पास क्या कर रही है, तुम्हारा क्लोन भी क्रॉसिंग ट्रिबुलेशन स्टेज में था। बे से कहता है कि तो क्या हुआ कि मैं लाइटनिंग स्टेज में हूँ, जो चीज तुमने कभी नहीं देखी है, वो ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये से कहता है कि इस बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप मुझे बताओ कि तुम वेस्ट के डीमंस के बारे में क्या जानते हो। बे फिर इसके सोल को बर्न करने लग जाता है, पर काफी देर तड़पाने के बावजूद ये इसे कुछ नहीं बताता। ये कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बे से कहता है कि तुम अपना समय ले सकते हो। तभी ये देखता है कि शाओमिंग इसी की तरफ आ रही होती है। ये इसे कहती है कि उसे मरने वाली है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये इसे कहता है कि आखिरकार ये इसके साथ कैसे हुआ। शाओमिंग इसे बताती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं उसे बचा नहीं पाई और हमारे ऊपर हमला करने वाला वही डीमन एम्परर था। ये फिर इसे कहता है कि अब मुझे नहीं जानना कि तुम डीमन रेस से कनेक्टेड हो कि नहीं, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड अर्थ डीमन तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। पर बे यहाँ पे अंडरवर्ल्ड गेट्स को खोल देता और कहता है कि आज अगर सुप्रीम डीमन भी यहाँ पे आ गया तो वो भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता। ये डीमन एम्परर को फिर अंदर खींच लेता है और उसी के साथ ये यहाँ पे मारा जाता है। पर थोड़ी देर में यहाँ पे सुबह काबू हो जाती है और इसके ऊपर हमला कर देती है और उसका ब्लड सक करने लग जाती है। ये से कहता है कि चिंता मत करो, तुम जितनी देर चाहो उतनी देर मेरा ब्लड सक कर सकती हो, कुछ ही देर में यहाँ पे सू ठीक हो जाती है, इसका ब्लड एक एंटीडोट की तरह काम करता है। सू फिर इसे पूछते है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। ये कहते कि घबराओ मत। सू कहते कि आप भी इन्फेक्टेड हो गए हो। ये कहते कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये फिर अपने सिस्टम का यूज करके इस वायरस को अपनी बॉडी से निकाल देता है। वहीं पे हम देखते हैं डीमन एम्परर को जो कि ये सोच रहा होता है कि अब उसने अपने डिसिप्लिन को बचाने के लिए उस वायरस को अपने अंदर ले लिया है। जब तक मेरा कोई भी एक अंश उसके अंदर है तब तक मैं वापस लौट सकता हूँ और जैसे ही मैं वापस लौटूंगा तुम्हें मैं तबाह कर दूंगा। पर कुछ ही देर में डीमन एम्परर को पता चल जाता है कि उसका जो अंश है वो गायब हो चुका है और उसी के साथ ये डीमन एम्परर भी यहाँ पे मारा जाता है। हमें फिर यहाँ दिखाया जाता है रात को क्विलिंग पिक डिसिप्लिन रूम के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं सू को जिसकी आंखें यहाँ पे थोड़ी खराब हो चुकी होती है। ये सोच रही होती है इसे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा ताकि अपनी आंख से ठीक से देख सके, उसी के साथ इसे ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर इसके मास्टर यहाँ पे नहीं होते और शाओमिंग नहीं होती तो शायद से ये उस मॉन्स्टर से मारी जाती। थोड़ी देर में यहाँ पे शाओमिंग नहा के आ जाती है तो ये से कहती है कि शाओमिंग देखो मैं साइक्लॉप्स हूँ। ये इसके सर पे मारते हुए कहते हैं कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मुझे पता है इस बार मेरी गलती है जिसकी वजह से मैं माफी मांगती हूँ, पर अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। ये फिर इसे सो जाने के लिए कहती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सू को ठंड लग चुकी होती है और ये बे देख लेता है। सू कहती है कि मास्टर अब चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। तभी यहाँ पे शाओमिंग इसे कहती कि मिस सू मेरी वजह से बीमार हुई है क्योंकि मैंने अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया था ताकि मैं उसे डीमन एम्परर से बचा सकूं और इसी वजह से जुकाम हुआ है। अब चिंता मत करिए, मैं 3 दिन में उसे ठीक कर दूंगी। बे इसे कहता है कि चिंता मत करो, हम 4 आर डिपार्टमेंट में जा रहे कल क्योंकि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है जिससे तुम दोनों ठीक हो सकती हो। हमें फिर अगले दिन 4 आर डिपार्टमेंट के हॉट स्प्रिंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं शाओमिंग सू और उन्हीं दोनों बहनों को जो कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे होते हैं। इन्हें यहाँ पे काफी मजा होता है, पर तभी वो दोनों बहनें सू के साथ यहाँ पे खेलने लग जाती है। तभी सू की नजर यहाँ पे कुछ जीवों पे जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार वो किस तरह की जीव है। ये से बताती है कि वो एक तरह के डीमन है जिनका नाम स्टर्लिंग्स है, वो यहाँ पे वाटर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। पर सू को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता तभी यहाँ पे 4 आर डिपार्टमेंट की वाइस इंस्ट्रक्टर ल्यू से निहार आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मुझे पक्के से यकीन है कि तुम रेयोनिक सील डिपार्टमेंट की एक लौती डिसिप्लिन हो और उसी के साथ तुमने ट्रायल में फर्स्ट प्लेस भी जीता है, पर अभी भी तुम एक कंट्री बपकिन हो। ये से पूछती कि आखिरकार तुमने मुझे अभी भी क्या बुलाया। ये से कहती कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिरकार इस तरह के मास्टर
को कैसे यूज किया जाता है। ये फिर अपने टांगों को हॉट स्प्रिंग के अंदर डाल देती है और वो मॉन्स्टर इसके टांग को चाटने लग जाते हैं। पर इस चीज को देख के सू को काफी ज्यादा अजीब लगता है। पर तभी यहाँ पे योंशी सू को कहती है कि चिंता मत करो सू, वो हमारे मास्टर के साथ कम्पीट नहीं कर सकती, इसी वजह से वो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रही है। ये से कहती है कि आखिरकार मैं उस जैसी बचलन टीचर से कम्पीट क्यों ही करूंगी, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था। वो यूजलेस इंस्ट्रक्टर बे तुम्हारे मास्टर के रूम में एंटर कर रहा था, वहीं पे हमें दिखा जाता है बेको जो कि कहता है कि सिस्टर हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये से कहती है कि आखिरकार इसमें गलती क्या है, हम सही कर रहे हैं। ये कहता है कि फिर भी स्वीट पोटैटो को हमें अंदर भूनना नहीं चाहिए। ये से कहती है कि तुम ये बात कर रहे हो जबकि तुम उन चिकन को बाहर पका रहे थे। ये कहता है कि इसमें और उसमें काफी ज्यादा फर्क है, एक सिंगल औरत और एक सिंगल आदमी को एक ही रूम में नहीं रहना चाहिए। यूई से कहती है कि बचपन में तुम काफी सारी नॉटी हरकतें किया करते थे। ये से कहता है कि उस टाइम मैं इमेच्योर था, इसी वजह से मुझे कुछ पता नहीं था। पर बाय द वे सिस्टर, मुझे अच्छे से पता है आपने मुझे यहाँ सिर्फ बात करने के लिए तो नहीं बुलाया। ये से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम सचमुच काफी ज्यादा बोरिंग हो। दरअसल मैं और मेरे फोरा डिपार्टमेंट के जितने भी डिसिप्लिन है वो सीक्रेट ट्रेल में जा रहे हैं जो कि फैंगयू माउंटेन की वहाँ पे है। क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे ताकि तुम हमारे गार्डियन की तरह हमारी रक्षा कर सको। ये से कहता है कि फैंगयू माउंटेन में सीक्रेट ट्रेल में, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। ये से कहती है ये सीक्रेट ट्रेल अभी अभी खुला है जिस बारे में सिर्फ एक्सपर्ट्स को पता है। बेफिर से कहता है कि आखिरकार मुझे क्यों ले जाना चाहते हो, मैं तो क्रिपल्ड हूँ। ये से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अपनी ताकत को रिकवर कर लिया है और मुझे नहीं पता कि तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो, पर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये से कहता है कि मैं अपने डिसिप्लिन को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये से कहती है कि तुम चाहो तो उसे अपने साथ ले आ सकते हो क्योंकि वहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेस है जिससे तुम्हारी डिसिप्लिन कल्टीवेट कर सकती है। ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं पर तभी यहाँ पे सू और बाकी लड़के आ जाते हैं जो कि इन्हें ऐसे देख के काफी एम्बेरस फील करती है। सू फिर बे को यहाँ पे कुइलुआंग पीक के यहाँ पे ले जाती है और वहीं पे वो दोनों सिस्टर अपनी मास्टर को कॉन्ग्रेट्स करती है। हमें फिर असूरी बर्ड पीक के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते सू को जो कि यहाँ पे एक नई ताकत का यूज कर रही होती है। ये इस ताकत को तुरंत ही सीख जाती है तो बे से कहता है कि ये नई स्किल थी जो मैंने अभी अभी बनाई थी पर तुम ऑलरेडी इसे सीख चुकी हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। पर हाँ, तुम इतनी जल्दी इतनी ताकतवर नहीं बन जाओगी, इस 6th पैलेस तलिस्मान बॉडी को मैंने अभी भी बनाया है और इस वजह से इसके काफी सारे डिसएडवांटेज है। तो याद रखना, जब भी तुम इसका यूज करो जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स है उन सबको अपने मन से निकाल देना वरना तुम इसका यूज नहीं कर सकती हो। पर सू इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती, ये उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि मास्टर चलो बेबी करते हैं, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो क्या। ये से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, दो मिनट रुक जाओ सू, तुम कंट्रोल में नहीं हो अपने। तो इसे कहती है कि मैं इंस्ट्रक्टर यू जैसी खूबसूरत नहीं हो क्या। ये से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका और मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये से कहती है कि मास्टर में खूबसूरत नहीं हो क्या। ये कहता है कि तुम खूबसूरत हो पर मुझे तुम्हारा नॉर्मल वाला रूप ही पसंद है और ये एक तालिस्मान का यूज करके इसे किसी तरह शांत करवा देता है। हमें फिर अगले दिन फैंगयू माउंटेन सीक्रेट रियल्म के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बे को जो कि इन सभी को बता रहा होता है कि आखिरकार सीक्रेट रियल्म में एंटर करने के बाद इन सबको क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पर यहाँ पे सू काफी एम्बेरस होती है कि कल रात को उसने क्या किया। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इन्हें बताते हैं कि किसी ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये लोग जब बाहर जाके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है ये एल्डर होती है ब्लिसफुल पैलेस की जिसका नाम कैंग मिंग शो होता है। ये इन्हें कहती है कि आखिरकार तुम मुझे कैसे भूल सकते हो जब तुम बच्ची थी जब मैं तुम्हारा ख्याल रखा करती थी। ये से कहती है कि तुमने हमारे सेक्ट और एक्स वाई से इंस्ट्रक्टर को धोखा दिया, आखिरकार तुम अब ये कैसे कह सकती हो। ये फिर अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है पर इससे पहले ये वेपन इसके ऊपर लगता है बेस वेपन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये कहती है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार मेरी स्प्रिट वेपन मुझे धोखा कैसे दे सकता है। बेस से कहता है कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ये फ्लूट अब मेरा हुआ। ये से कहती है कि तुम तो उसी औरत के पुराने लवर हो बेलूचान। बे फिर इस फ्लूट का यहाँ पे यूज करने लग जाता है जिसकी आवाज सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं पर वही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मास्टर को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कैसे नॉलेज है। पर थोड़ी देर के बाद इसे एहसास होता है कि इंस्ट्रक्टर यू इसकी बचपन की दोस्त है, इसी वजह से शायद उसने इसे ये सिखाया होगा। थोड़ी देर में कैंग इसके ऊपर हमला कर देती है और कहती कि मेरे फ्लूट को यहाँ पे वापस करो पर ये इसके सामने नहीं टिक पाती। बे फिर इसे कहता है कि अपने साथ ही को ले जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा हो जाए, स्प्रिट वेपन के बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। ये लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। बे फिर स्प्रिट वेपन को यूनरू को देता है और कहता है कि जब तुम सीक्रेट रियल्म से वापस आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे अपग्रेड करने में। यहाँ पे सभी लोग इसके यहाँ पे आ जाते और कहते हैं कि अंकल बे आप काफी ज्यादा खूबसूरत हो और उसी के साथ आप ताकतवर भी हो। कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे सू जाने लग जाती है। तो इसे कहते हैं कि घबराओ मत, इस बार मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, इस बार कुछ भी नहीं होने वाला। तभी यहाँ पे शाओमिंग इसे कहते
बताती है कि ब्रदर मैं भी हूँ, मैं भी इसकी हेल्प कर सकती हूँ। ये कहता है कि हाँ शांगमिंग भी तुम्हारे साथ है। वहीं पे हमें कैंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो इसे कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी एडवांटेज लेने की। तभी यहाँ पे उसकी साथी उसे बताती है कि वो लोग सीक्रेट रेल में एंटर कर चुके हैं। कैंग कहती है कि तो फिर चलो हम यहाँ पे किसका इंतजार करें, हमें भी अंदर जाके अपने मिशन को कम्प्लीट करना है। ये मत भूलो हमें इन सबको यहाँ पे आज ही आज मारना है। वहीं पे हमें सीक्रेट रेल के अंदर बे को दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से उसके सिस्टम उसे एक मिशन देता है। वो इसे कहता है कि तुम एक सोल एंसेस्टर को सप्रेस करना है और अगर इस मिशन को इसने कंप्लीट नहीं किया तो उसकी 30% स्पिरिचुअल एनर्जी को इससे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। हमें फिर योनरो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक लड़की हमला कर देती है। ये इसे कहती है कि आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसी हो। ये इसे कहती है कि घबराओ मत, इस लेसन की बातों में सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे इस फ्लूड का यूज करके इसके हमले को रोक देती है, पर ये ज्यादा देर तक इसके हमले को रोक नहीं पाती। इसके बाद ये लड़की इसे छेड़ने लग जाती है और इसे कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ट्रिक क्या होती है। ये इसे कहती है कि तुम सीमलेस हो। ये फिर यहाँ पे एक तलीजमान का यूज कर लेती है जिसकी मदद से ये यहाँ पे बे को बुला सकती है। पर ये इसे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा बहादुर कब बन गई, लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। ये फिर इसके पीछे एक जोरदार चाटा मारती है और इसे कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन सचमुच काफी बढ़िया था, लगता है तुम अब लेसन सीख चुकी हो, पर अभी तो इसकी सिर्फ शुरुआत हुई है। पर तभी यहाँ पे कोई इसके ऊपर फिर से हमला कर देता है और ये लड़की यहाँ पे मारी जाती है। और ये हमला बे ने किया होता है। बे इसे कहते हैं कि लगता है ब्लिसफुल पैलेस वालों ने यहाँ पे कैम्बू शेड किया है जहाँ पे ये सभी को मारना चाहते हैं। पर तुम ठीक तो हो ना? ये कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी कम हो गई है जिस वजह से मैं अपने पाँव ठीक से चला नहीं पा रही हूँ। ये फिर इसे पूछते कि बाकियों का क्या हुआ। ये इसे बताती है हमने काफी सारे लोगों को मार दिया पर काफी सारे अभी भी जिंदा है। तो ये इसे कहता है कि घबराओ मत, हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। तभी यहाँ पे इसे कहते हैं कि मार्शल अंकल उधर देखिए, और बे देखता है काफी अजीब सा चीज होता है। तो बे यहाँ पे इसे अपने पास ले आता है और ये देखता है ये एक सोल वाप्स होता है जो कि यहाँ पे ब्लिसफुल पैलेस यूज करते हैं सोल्स को गैदर करने के लिए। तो ये कहता है कि लगता है हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। वहीं पे हमें सू को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अभी लाइटनिंग गिरी होती है। तभी यहाँ पे शाओमिंग इसे हाथ लगा देती है जिससे ये डर जाती है। तो ये कहती है कि मुझे अचानक से हाथ मत लगाया करो, मैं डर जाती हूँ। ये कहते कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पर कितनी बार लाइटिंग गिरी है। आखिरकार ऐसा कौन सा कल्टीवेटर होगा जो कि यहाँ पे अपनी लाइटिंग को समन करके अपने ऊपर गिरा देता है। आखिरकार तुम्हारे से क्या हुआ है, लगता है तुम्हारा सर खराब हो गया लाइटनिंग गिरने की वजह से। सो इसे बताती है कि इमॉर्टैलिटी का जो पैथ है वो ओरिजिनली हेवेंस के आगे जाता है, इसी वजह से नेचुरली मुझे यहाँ पे इसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ेगा और मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने मास्टर जितनी ताकतवर बनना चाहती हूँ। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम उस मास्टर जितना ताकतवर क्यों बनना चाहती हो, ये इसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और इसे कहती है कि खुद को हमें सबमिट कर दो, तब तुम सफर नहीं करोगी। शामिंग इसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें धमकाने की, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली सफरिंग क्या होती है। और ये लड़की शामिंग को कहती है कि तुम तो सिर्फ डीमन एम्परर लेवल की हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। ये फिर किसी चीज का यूज करके यहाँ पे किसी को समन कर लेती है जो कि शामिंग के ऊपर हमला कर देती है और शामिंग उसकी ताकत सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। यहाँ पे ये लोग इसका शुक्रिया करते हैं इसे लिटिल सिक्स बुला के। ये से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे एल्डर बुलाया करो। इस लड़की का नाम होता है डीमन मास्टर चांग शेंगलू। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सुको जहाँ उसे होश आया होता है और ये एक जाले में अटकी हुई होती है। ये देखती है यहाँ पे कुछ अजीब लोग कुछ अजीब चीजें कर रहे होते हैं ताकि वो किसी इंसान को जिंदा कर सके। यहाँ पे ये देखती है फ्लोरा डिपार्टमेंट की जूनियर सिस्टर्स भी होती है, यह अपने आप को इस जाले से छुड़ाने की कोशिश करती है पर शाओमिंग इसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी आई सिल्क काफी मजबूत है, तुम चाहकर भी उसे नहीं काट सकती। ये इसे पूछती है कि शाओमिंग आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिरकार तुमने हमें बिट्रे क्यों किया। ये इसे कहती है कि मैंने कब तुम्हें बिट्रे किया, जहाँ पे हवा चलती है मैं वहाँ पे चले जाती हूँ, बेलूचान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आज से मैं एल्डर सिक्स को फॉलो कर रही हूँ। पर ये इसे पूछती है कि आखिरकार तुमने अपने आप को क्यों बांध रखा है। ये इसे कहती है कि मैंने ये ऑन पर्पस किया। ये दोनों फिर यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। इनकी आवाज सुनकर चांग इन्हें कहती है कि अपना मुंह बंद नहीं रह सकते हो क्या तुम दोनों, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये चीज के लिए माफी मांगती है। वहीं पे हम देखते हैं कैंग को जो कि यहाँ पे सोल एंसेस्टर को जगा रही होती है पर यहाँ पे सोल कम पड़ जाते हैं। पर इस चीज को देख के सोल रिफाइनिंग सेक्ट वाले कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये सब क्या कर रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि सोल एंसेस्टर कुछ सोल्स के साथ यहाँ पे जाग जाएंगे, तुम्हें सारी चीजों की प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए थी। ये इसे कहती है कि आप दोनों गुस्सा मत करिए, हमारे पास काफी सारे सोल्स है इन्हें ऑफर करने के लिए। ये फिर यहाँ पे अपने कुछ साथियों को सोलर डिपार्टमेंट की लड़कियों को लाने के लिए कहती है और ये लोग ऐसे ही करने लग जाते हैं। ये सब जब सू देखती है तो कहती है कि हमें जूनियर सिस्टर्स की मदद करनी पड़ेगी। ये इसे कहती है कि घबराओ मत, बस तुम देखते जाओ। और ये देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन होती है उस वजह से इन लड़कियों को हाथ नहीं लगा पा रहे होते हैं जिससे ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कैंग फिर यहाँ पे चैंग को जाके कहती है कि
एल्डर प्लीज हमारी मदद कीजिए। पर चैंग ये से कहा था कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ ड्यूमन एम्परर को हराने के लिए, और जैसा कि हमने एग्री किया था जब तुम मुझे एक ऐसी कह दोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारे फ्री में मदद नहीं करने वाली। चैंग फिर यहाँ सोचने लग जाते कि ब्लिसफुल पैलेस के पास सिर्फ तीन ही कैसे गए और मैं सिर्फ दो ही लाई थी, अगर मैं दूसरे वाले को यहाँ पे यूज कर दिया तो ये काफी ज्यादा वेस्ट होगा। तभी वो लड़का इसे कह रहा था कि आखिरकार हमें एल्डर कैंग को परेशान करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे सोल्स है और यहाँ पे सभी लोगों के सोल्स इकट्ठा करने लग जाता है। कैंग इसे कहती है कि आखिरकार ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब यहीं पे रोकना पड़ेगा। पर उसकी दूसरी साथी उसे कहती कि ये मत भूलो कि तुम किसके टुकड़ों में पल रही हो, अपने कैसी का कुछ साइड करो। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि जो सोल एंसेस्टर है वो कुछ ही देर में यहाँ पे जाग जाते और कहते कि मैं वापिस आ गया। और ये होता है अर्थ इमॉर्टल सोल एंसेस्टर, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट वाले होते हैं वो इसके सामने झुक जाते हैं और इसे ग्रीट करते हैं। ये एंसेस्टर फिर अपनी ताकत का यूज करके कैंग की जो आत्मा है उसे निकालने लग जाता है। पर तभी चैंग इसके ऊपर हमला कर देती है और इन दोनों की बाइंडिंग को तोड़ देती है, और ये यहाँ पे एक सीक्रेट टेलीजान का यूज करके एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देती है और उसके अंदर चली जाती है। और उसी के साथ चैंग यहाँ पे सू को भी ले लेती है और उस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाने लग जाती है। सू से कहती है कि मुझे जाने दो, ये से कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। पर शाओमैंग इनके साथ नहीं जा पाती, वो एल्डर फिर इन्हें कहता है कि तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, एक डीमन मास्टर भी तुम्हारे हाथ से कोई सी भी चीज छीन के ले जा सकता है। ये से बताती है कि सोल एंसेस्टर हमारा जो सेक्ट है उसे मेजर सेक्ट सप्रेस किया जा रहा है 100 सालों से, इसी वजह से हम सिर्फ छोटे मोटे सेक्ट को ही कंट्रोल कर पा रहे हैं, और जो पर्सन अभी भी भागी वो सिर्फ हमारी एक पपेट है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोल एंसेस्टर फिर अपनी ताकत का यूज करके फोरा डिपार्टमेंट की लड़कियों के सोल्स निकालने लग जाता है। पर शाओमैंग किसी तरह अपनी ताकत का यूज करके बाकी लड़कियों की जान बचा रही होती है, तभी ये किसी तरह तलिस्मान का यूज करके उस मॉन्स्टर को यहाँ पे बुला लेती है यानी कि बे को, और कुछ ही देर में बे यहाँ पे आ जाता है। ये कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम लोगों को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, आखिरकार तुम ऐसी गुफा जैसी जगह क्यों चुनते हो। यहाँ पे वो लड़की से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो, वही पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है जो कि लाइट स्टेज में, पर फिर भी मैं इसकी स्किल को देख नहीं पा रहा हूँ। बेफ्रे ने कहता है कि लगता है तुमने यहाँ पे कुछ सोल्स को इकट्ठा करके एक ओल्ड मैन को जगा दिया है, तो क्या हुआ मैं इसे अभी मार दूंगा। ये से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ये कहो। सोल एंसेस्टर फिर अपनी ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है, पर बे यहाँ पे 5-स्टार डिवाइन टैलिस्मैन का यूज करता है जिस वजह से इसकी ताकत का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ये पूछता है कि आखिरकार ये कौन है, आखिरकार डायमंड रॉनिंग इसके पास क्या कर रहा है। ये फिर इसका नाम पूछता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, जिसके बाद ये और गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। पर बे के तालिस्मान इसके ऊपर यूज नहीं हो रहे होते और ये बे को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाता है। बे फिर यहाँ पे एक और तालिस्मान का यूज करता है ताकि वो उस डायमेंशन से निकल सके, पर वो एल्डर से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, बेशक तुम्हारे पास हेवंस की ताकत क्यों ना हो, तुम मेरे डोमेन में कुछ भी नहीं हो, मैं अपने डोमेन में इनविंसिबल हूँ, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। पर बे यहाँ पे अपने सिस्टम को इसके पूरे डोमेन को स्कैन के लिए कह रहा होता है। इसके सिस्टम थोड़ी देर के बाद इसे बता देता है कि आखिरकार वो इसे कैसे हरा सकता है। यहाँ पे हेवेंस के लॉक काम नहीं करते, इसका मतलब भी यहाँ पे इसे आसानी से हरा सकता है क्योंकि वो भी हेवेंस की ताकत को यूज नहीं कर सकता। ये फिर इसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है जिससे इसे चोट लग जाती है। ये एंसेस्टर फिर से पूछता है कि आखिरकार वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे हाथ में है। ये इसे कहता है ये एक्स है जिसे मैं वुड चॉपिंग में यूज किया करता था, और हाँ एक और बात, इसी एक्स की मदद से मैंने काफी बार हेवेंस को भी बचाया है। इसके बाद ये इसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है ताकि वो इसे मार दे, और कुछ ही देर इसे मार गिराता है। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमैंग यहाँ पे उस लड़की को पकड़ चुकी होती है। कुछ देर के बाद बे उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पे उसके हाथ में उस ओल्ड एंसेस्टर का हेड होता है। ये देख के वो लड़का कहता है ये इम्पॉसिबल, आखिरकार ओल्ड एंसेस्टर तुमसे कैसे हार सकते है। बे फिर उसके सर को इस लड़के के ऊपर फेंक देता है जो की ब्लास्ट हो जाता है और ये ही पे मारा जाता है। और इस चीज को देख के वो लड़की इसे कहती है की प्लीज मुझे मारो मत, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहता है की ठीक है, तुम अगर इतनी ही कोऑपरेटिव हो तो तुम्हें हम एकेडमी ले जाएंगे जहाँ पे हम तुम्हारे ऊपर इंट्रोगेशन बैठाएंगे। बे फिर शाओमैंग से पूछता है कि आखिरकार सू कहाँ पे है। ये से कहते कि मुझे नहीं पता, ये कहते कि भागने की कोशिश मत करना। शाओमैंग इसे बताती कि वहाँ पे एक डीमन मास्टर और एक अर्थ इमॉर्टल था, आखिरकार मैं उसे कैसे लड़ सकती थी। पर तभी यहाँ पे फोरा डिपार्टमेंट की एक लड़की से बताती कि मैंने माइंडफुलनेस टेक्निक का यूज किया है जिससे मुझे पता चला है कि वो सिस्टर सू को किडनैप करके ब्लिसफुल पैलेस के यहाँ पे लेके गए है। वहीं पे हमें ब्लिसफुल पैलेस रेजिडेंट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते सू को, जिसकी अभी अभी आंखें खुली होती है। ये यहाँ पे देखती है एक लड़की चेनों से बंधी हुई होती है। वो लड़की से कहती है कि काफी समय से मुलाकात नहीं हुई संयुक्त सेलेस्टियल। हमें फिर एक पास की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं ल्यूली पैलेस के यहाँ पे हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम मनमान होता है और दूसरी का नाम सियुक्स होता है। सियुक्स मनमान को कहती है कि हम दोनों
करीब हजार सालों से इसी रेल में भटकते जा रहे हैं। पैनमैन इसे कहती कि हम दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि हम दोनों इमोर्टल फेट को फोर्स नहीं करेंगे, पर आखिरकार तुम ये दोबारा से मेंशन क्यों कर रही हो। सेयोक इसे कहती है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं हेवेंस के सीक्रेट को थोड़ा समझ चुकी हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास करोगी क्या। ये कहती कि हेवेंस के सीक्रेट को तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहते कि जो भी अब तक हम कल्टीवेशन मेथड को यूज करे थे वो सब गलत था। एक मॉर्टल इमॉर्टल बनना कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिरकार हम इमॉर्टल कैसे बन सकते हैं। ये फिर अपने तीनों कोर्स को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि इन तीनों को अगर मैं तबाह कर दूं तो मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगी। अब देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे मैं इमॉर्टल बन सकती हूँ। ये फिर एक एक करके अपने इमॉर्टल बॉल को तोड़ने लग जाती है। मैनवेयर फिर सियोक्स को कहती है कि सियोक्स तुम यहाँ पे क्यों डेविएशन से सफर कर रही हो, वो तुम्हारी असली सोर्स है। पर सियोक्स की बात नहीं सुनती और कहती कि तुम्हें आखिरकार इस बारे में पता ही क्या है, और ये इसके ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से यहाँ पे मैनमैन काफी इंजर्ड हो जाती है। ये फिर अपने दूसरे ट्रू सोल को भी तबाह कर देती है और कहती कि देखना मैं इमॉर्टल बन जाऊंगी, देखना अब मेरे पास इमॉर्टल क्यूआई आने वाली है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कहती कि आखिरकार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। ये फिर सोचती है कि इसने अपने दोनों को तो तबाह कर दिया, पर इसका तीसरा वाला रह गया है जिसे मैनमैन लेके भाग जाती है। दरअसल मैनमैन को पता होता है कि ट्रू सोल्स को तबाह करने से कुछ भी नहीं होने वाला, उसे सिर्फ उससे मौत नसीब होगी, और जब तक इसके पास इसका तीसरा ट्रू सोल्स है वो उसे दोबारा से रिवाइव कर सकती है। पर यहाँ पे शिक्स बिल्कुल भी रुकते नहीं है। ये अपनी ताकत का यूज करके यहाँ पे सोलर एक्लिप्स करवा देती है जिसकी मदद से ये मैनमैन को ढूंढ सकती है। ये इसे कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों छुप रही हो, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इमॉर्टल बनेंगे, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। लगता है तुम उस वादे को भूल चुकी हो, तो मुझे भी इस वादे को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस धरती के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी। ये फिर अपनी ताकत का यूज करके किसी तरह मैनमैन को ढूंढ निकाल देती है। पर मैनमैन अपनी ताकत का यूज करके किसी तरह यहाँ पे छुप जाती है और उसी के साथ वो इसके ऊपर हमला कर देती है। पर सेयोक्स को इसका लोकेशन पता होता है तो ये इसके ऊपर हमला करने लग जाती है, पर सेयोक्स के सामने इसके हमले बेकार होते हैं जिसके बाद ये यहाँ पे पहाड़ों के अंदर चले जाती है ताकि वो यहाँ से दूर जा सके। दरअसल इसके पास मून व्हील होता है जिसकी मदद से ये इसे कहीं पे भी ढूंढ सकती है। पर मैनमैन ने इसे ढूंढ निकाल लेते और कहते कि मुझसे भागने का कोई फायदा नहीं है, हम 1000 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मुझे तुम्हारी सारी ट्रिक्स पता है। ये फिर अपनी ताकत का यूज करके इस पूरे पहाड़ को तबाह कर देती है और मैनमैन भी फिर यहाँ पे बाहर आ जाती है। वो यहाँ पे क्यूआई मैन एक्टिव कर देती है जिसके बाद ये इसे कहते कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हें क्या सीक्रेट हाथ लगाए, पर तुम इतनी पागल कैसे बन सकती हो। सेक उसे कहते है कि पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, क्योंकि तुम मेरे साथ इमॉर्टल बन सकती हो, जल्दी मेरे पास आओ। ये इसे कहते है कि अगर इमॉर्टल बनना यही है कि तुम एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इमॉर्टल बनने नहीं दूंगी। ये फिर यहाँ पे क्यूआई मैन रिकार्नेशन ऑफ हेवन का यूज करने लग जाती है। सेक फिर इसके ऊपर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है। पर इस मैच को यहाँ पे मैनमैन जीत जाती है और वो कहते है कि लगता है इस बार मैच जीत गई। सेयोक इसे पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ इमॉर्टल क्यों नहीं बनना चाहती, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। ये इसे कहती कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जैसी हो वैसी रहो। और इसी के साथ मैनमैन यहाँ पे मारी जाती है और अपने दोस्त को मारने की वजह से सेयोक काफी ज्यादा पछताती है और यहाँ से कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। गाइस मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी मानवास मैं अब तक अपलोड कर रहा था वो बस एक एक्सपेरिमेंट थे। मुझे लगा था कि ये चैनल पे व्यूज लाएगा, पर इस पे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आए, इसी वजह से मैं इसमें एनिमीज दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अगर आपको ये मानवास देखने हैं और आपको काफी शौक है इस मानवास को देखने का तो आप मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हो जहाँ पे मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि ये कहानी वहाँ पे कंटिन्यू होगी और उसी के साथ मैं काफी सारे अलग अलग मानवा और वहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ एनिमीज आएगी, ये इस वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने व्यूज लाती है। अगर ये 10,000 से ज्यादा व्यूज ले आती है तो शायद से मैं मानवास को यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, अगर नहीं लाती है तो फिर तो सेकंड चैनल है वही पे आने वाली वीडियो। चाहे तो इसलिए पता ही कहूंगा। Thanks for watching. Next video मिलता है, hopefully आप सब बढ़िया होंगे। Thanks for watching guys.